वो गड़बड़ करता है, देखो अभी फिर आ गया, कुछ करने ही नहीं देगा वो, समझ में। चलिए तो अभी हम लोग ऐसे उठते, जब तक तो ये लोग आ रहे हैं तब तक तो टेबल वा बना लें, तो इसलिए हम लोग अभी बनाएंगे क्या, हम लोग अभी बना रहे हैं अनसेचुरेटेड कार्बन, है कि नहीं। और ग्रेफर क्या, चलिए तो अब ये जो है हमारा टेबल है, हो गया। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो जब तक आएंगे नहीं ना फिर वो ऐसे ही हिल डिस्टर्ब होता रहेगा। चलिए तो अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज द टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन, है कि नहीं। अब ये क्या है, नेम ऑफ द फैटी एसिड एंड ये उसका क्या है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फैटी एसिड, ठीक है स्ट्रक्चर। अब तो मैंने ब्लैक बोर्ड बना दिया, आप आराम से बना सकते हो। नाउ तो जो पहला नाम है, तो पहला नाम हम किसका लेंगे, तो फर्स्ट नेम इज, हमने क्या लिखा था, 16 is S to to one, one one delta 9। चलो ये delta nine. हाँ, तो एक बार चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ तो आप समझ जाओगे। इसका नाम है पाल्मिटोलेइक एसिड, ओके, पाल्मिटोलेइक एसिड, ठीक है, इसका नाम है पाल्मिटोलेइक एसिड। नाउ तो इसका स्ट्रक्चर, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, तो इसके साथ में ऐसे डेल्टा होगा, उसके ऊपर 9 होगा, तो इसका मतलब है, तो डेल्टा पोजीशन इज फ्रॉम फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अब सपोज हम लोग आपका एक डेल्टा स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आप देखिए, तो ये आपका है सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो आप ये आपका इधर लिख देंगे COH। तो अगर हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे उसको डेल्टा नंबरिंग बोलते हैं, अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे इसको ओमेगा नंबरिंग बोलते हैं। तो अब 1 है, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो ये 9 और 10 के बीच में बॉन्ड होगा, तो ये 10 है तो ये बॉन्ड इधर होगा, समझ रहे हो। तो अगर ये डेल्टा 9 है तो ओमेगा क्या होगा, 7, समझ रहे हो कि नहीं। तो इफ इट इज डेल्टा 9 तो ओमेगा कौन सा पोजीशन होगा, ओमेगा 7 16 माइनस 9, मैक्स, क्यों मैक्स भौंक रहा है बोलो। सर बंदर आ गया। बंदर नहीं, वो गैस वाला, वो गैस वाला उसका परम शत्रु है, समझ में। चलिए तो दिस इज द कंसेप्ट, तो अब आप लोग कर लेंगे, तुम लोग कोई पेन यूज नहीं कर सकते हो ना, नहीं तो मैं सर देता बोर्ड में करने के लिए, तो तुम लोग को अगर पेन यूज करते तो आई वुड हैव गिवन द बोर्ड टू वर्क ऑन। चलिए पाल्मिटो एक में डेल्टा 9 है और दूसरों में कैसे करेंगे, सब में डेल्टा 9 है क्या।
ये कौन पूछा ये क्वेश्चन? सौरभ तुम लोग समझ नहीं आया, तुम लोग को मार वार खाने का कुछ बहाना चाहिए ना क्या? हाँ बोलो। तुम लोगों को मार वार खाने का कोई बहाना चाहिए? अबे जिसका जो होगा ना, तू क्या अपने घर से लेके जोड़ देगा उसमें? जिसका जो नाम होगा वही जोड़ोगे ना? तो डबल बॉन्ड की वजह से कंपाउंड थोड़ा बेंड हो जाएगा ना? अब वो मुझे मालूम नहीं है, वो केमिस्ट्री सर को पूछेंगे। तो समझ में आया? तो इसलिए जो डेल्टा पोजिशन का मतलब है फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, ओमेगा पोजीशन का, तुम लोग कुछ देखते नहीं हो ना, बिकॉज ये कितना जगह पर होता है ये आप लोग देखते नहीं हो। अगर आप ऑयल्स खरीदोगे ना, तो ऑयल में आपका दुखी करता है, तो ऑयल अगर खरीदोगे उसमें लिखा है इसमें है ओमेगा थ्री फैटी एसिड, ओके नहीं? तो व्हाट इज ओमेगा थ्री? तो वही चीज आपको देखना है कि आप जो तेल खरीदोगे वो देख के खरीदोगे, तो जिसमें ओमेगा थ्री होगा उसको खरीदना। चलिए तो एक और मैं आपके लिए बना दूंगा, ये इजी वाला छोड़ देंगे, डिफिकल्ट वाला बनाएंगे। तो टू जो है वो 18:1 कॉमा मैं 9 लिख रहा हूं, ठीक है? तो ये आप समझ जाइए, कॉमा 9। तो समझ में आया? तो ये आपका हो गया क्या? अब इनका मैं ग्रुप एंट्री बंद करना पड़ेगा, ये बच्चे अभी आए नहीं, अभी आके डिस्टर्ब करेंगे। चलिए तो ये आ जाएगा, इसका नाम है ओलेइक एसिड, समझ रहे हो? तो इसलिए डेल्टा 18:1 डेल्टा 9 ओलेइक एसिड है, तो आप खुद बना लेना, मैं उसके लिए आपको एक लाइन छोड़ देता हूं, ठीक है? तो अब आप खुद सोच सकते हैं अगर डेल्टा 9 है तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा भी 9 होगा। ओमेगा 9। ओमेगा 9, तो इसका मतलब अब आप समझ गए। तो इज इट ओमेगा 3 फैटी एसिड? नो सर। नो, तो समझ आया? तो इसलिए अब आपको ये खुद बनाना है, तो मैंने आपके लिए जगह छोड़ दिया, क्लियर? उसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे उसका नाम है क्या? 18:2 ओके, तो ये कॉमा 9:12 मतलब ये डेल्टा 9:12 पोजीशन में होगा, ठीक है? तो ये उसका नाम है। So what is the name of the compound? Linoleic acid. ठीक है? तो उसका compound का नाम है linoleic acid. तो again उसके लिए मैं डब्बा छोड़ दे रहा हूं, वो आप खुद बना लेंगे, ठीक है? ये homework है आपका। तो जो मैं एक मुश्किल वाला कर दूंगा तो वो आप देख लेना। तो ये आपका fourth है 18:3 कॉमा 9:12:15 ठीक है? 9:12:15 समझ में? नाउ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है लिनोलेनिक एसिड, ठीक है? तो ये लिनोलेनिक एसिड है, इसके लिए भी डब्बा मैंने आपके लिए छोड़ दिया, अब बना लेंगे, फाइन? चलिए तो अब आपका एक बनाता हूं जिसको मैं बना दूंगा आपके लिए, सो दैट इज क्या, इसको थोड़ा इधर इधर ले आते हैं ना, तो ये जगह थोड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो रहा है ना। ओलेइक का कौन सा था? ये ऊपर वाला था ना,
फाइन। चलिए तो इस डब्बा को थोड़ा और बड़ा करते हैं। चलिए अब हम लोग पांचवा कंपाउंड करेंगे, सो फिफ्थ कंपाउंड। तो ये है आपका 20, ठीक है। तो दिस इज 20:4, ठीक है। तो ये है 20:4। कौन कौन सा पोजिशन है? 5, 8, 11, 14। समय 20:4, 5, 8, 11, 14, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम ठीक है, तो उसका नाम है एराकिडोनिक एसिड। ये भी आपका मूंगफली के तेल में मिलेगा, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। तो अब ये वाला मैं आपके लिए बना देता हूं, है कि नहीं? तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा, और थोड़ा छोटा किया जाए। फाइन। तो आप एराकिडोनिक एसिड मैं आपके लिए बना देता हूं। तो इसमें कुछ नहीं, बनाने में कुछ नहीं होता है, बस आपको क्या करना है, इसमें 20 कार्बन जोड़ना है। 20 कार्बन लगेंगे, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 में COH लगाएंगे। तो ये सपोज आपका ऑड नंबर पे है, तो 5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो इसलिए इसमें कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है? 5 पे है, तो 5 मतलब 5 और 6 के बीच में। फिर 8 में है, मतलब 8 और 9 के बीच में। फिर 11th है, मतलब 11th और 12th के बीच में। फिर 14th है, मतलब 14th और 15th के बीच में। तो ये आपका हो गया क्या? दिस इज डेल्टा 5, 8, 11, 14। तो उधर ओमेगा क्या हो जाएगा? बोलो, माइनस करो उधर से। 6, 9, 6 इधर से करोगे ना, उल्टा से 6, 9, 12, 15। तो ये ओमेगा 6 फैटी एसिड है, समझ रहे हो? तो दिस इज ओमेगा 6 फैटी एसिड। बल्ले बल्ले, चलिए सर, हम लोगों को डेल्टा ओमेगा दोनों फैटी एसिड्स मिलता है। क्या यार, ये सब पागल लोग है ना। अरे वो एक ही चीज है, गधा कहीं का। तो वो उधर से उसको डेल्टा बोला जाता है, इधर से ओमेगा बोला जाता है। तो जो क्लासिकल नोमेनक्लेचर है, देसी नोमेनक्लेचर है, वो ओमेगा है। जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो डेल्टा है, समझ में आया? चलो अब 6 में आ जाएंगे, 22:6, ओके, 22:6, उसका नाम क्या है? DHA, दो, ओके, 22:6 जो है, वो है DHA, तो वो 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है आप, तो 22 के 4, 7, 10, 13, 16, 19, 19, समझ में? तो आपका 22:6, 4, 7, 10, 13, 16, 19। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर्वोनिक एसिड, CERVONIC एसिड,
ठीक है, कार्बोनिक एसिड ये होता है इन फिश ऑयल्स, तो फिश ऑयल्स में ये मिलता तो ये है। तो हो गया ओमेगा थ्री। हाँ, तो इसको आप खा सकते हो। अब समझ में आया क्यों आपको फिश ऑयल खाने बोला जाता है? यस सर। व्हाई फिश ऑयल इज हेल्दी, बिकॉज उसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड होता है। समझ में आया? तो अब हम लोग बनाते हैं इसको, तो इसमें हमें अगेन 22 बनाना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो ये आपका COH है। तो ये आपका डेल्टा कौन सा पोजीशन है? क्या 4, 7, 10, 13, 16, 19। हर समय तीन तीन का गैप होता है, तो आप अगर 4 जान लो तो अपने आप लिख लेना। एंड तो फिर ओमेगा क्या हो जाएगा? तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, तो 15, 18। अब देखो, अगर जनरली ओमेगा, जो जनरली जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है उसको रॉ खाना चाहिए, कच्चा। तो अगर उसको उबालोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर ओमेगा 6 हो जाएगा, और उबालोगे तो ये टूट जाएगा, ओमेगा 9 हो जाएगा। इसलिए आप देखोगे ऑलिव ऑयल वो लोग कैसे खाते हैं? कच्चा। फिश ऑयल आप लोग कैसे खाते हो? कच्चा। तो वेजिटेरियन लोग भी फिश ऑयल कच्चा ही खाते हैं। किस में बोलो तो? कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल। आ गया मजा? चलिए अब नंबरिंग किया जाए। तो ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। बले बले। अब तो 4 और 5 के बीच में होगा, ठीक है, 7 और 8 के बीच में होगा, 10 और 11 के बीच में होगा, 13 और 14 के बीच में होगा, 16 और 17 के बीच में होगा, 19 और 20 के बीच में होगा। तो ये आपका हो गया क्या? दिस इज सर्वोनिक एसिड। अब सुनिए, आप लोग सुने होंगे मुफा पुफा, समझ रहे हो? तो ये जो दोनों ऑयल्स हैं, ये है मुफा। क्यों बोलो? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मुफा का मतलब क्या है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ऑल दीज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नाउ एक चीज याद रखेंगे, जो मुफा है वो हमारे बॉडी में बन जाता है, इसीलिए वो है नेफा। व्हाट इज नेफा? नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। ये आपको खाने का जरूरत नहीं है। क्यों बोलो? ये हमारे बॉडी में बन जाता है, खुद बन जाता है। बट पुफा जो है ये है एफा, मतलब एसेंशियल फैटी एसिड। इसको मजाक में हम विटामिन एफ बोलते हैं, ठीक है, तो इसको विटामिन एफ बोला जाता है। अगर ग्रीन में हम लोग डिजीज लिखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एफ से क्या होगा? फॉलिक्यूलर हाइपर केराटोसिस, समझ रहे हो? उसको हम लोग फॉलिक्यूलर हाइपर केराटोसिस बोलते हैं। अरे यार, ये बड़ा दुखी करता है, छोड़ो। ओके, हाइपर केराटोसिस। ओके, नाउ जो वुमेन्स हॉर्लिक्स तुम लोग खाते हो कि नहीं? वुमेन्स हॉर्लिक्स, तो उसमें वुमेन्स हॉर्लिक्स, चिल्ड्रन हॉर्लिक्स, उस नहीं चिल्ड्रन हॉर्लिक्स तुम लोग खाओगे, उसमें होता है डीएचए। आप सुने हो डीएचए? आप देखोगे हर हॉर्लिक्स माल्टोबा, इसमें हमने डाला है डीएचए।
तो डीएचए का मतलब क्या है? दो कोसा हेक्सिनोइक एसिड। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम है। डाई देखो, डाई मतलब टू, आईकॉस मतलब 20। तो डाई आई कोसा को हम दो कोसा बोलते हैं। ओके, हेक्स मतलब छे, इन मतलब डबल बॉन्ड, ओइक एसिड। तो समझ रहे हो? तो डीएचए कुछ अलग चीज नहीं होता है, इसका फैटी एसिड को हम क्या बोलते हैं? डीएचए ओमेगा। यस, तो दैट इज, नहीं नहीं ओमेगा नहीं, डोकोसा हेक्सिनोइक एसिड। इसमें 22 कार्बन है, 6 ठो डबल बॉन्ड है एंड ओइक एसिड है। डोकोसा हेक्सिनोइक एसिड। ओके, और बोलो। बोलो और कुछ पता, ये समझ में आ गया? कुछ पूछना है पूछ लो, फिर आगे चलेंगे हम लोग। ओवर और नॉट? यस सर, ओवर। चलिए, तो आज जाके इसको एक बार घर में अच्छे से देख लेंगे, मैं वो फोटो भी आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है? चलिए, तो आप चलें। हाँ बोलो बोलो बोलो। चलिए, सो नाउ अब हमने फैटी एसिड्स पढ़ लिया एंड हमने देखा कि दो तरह का फैटी एसिड होता है, ठीक है? सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फैट्स, ठीक है? नाउ इफ ऑल द थ्री combining fatty acids are same, ठीक है? अगर आपके जो तीन fatty acids हैं, अगर वो सारे के सारे same है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? Homolipids। समझ रहे हो? तो उसी तरह से if one, two और all three combining fatty acids are different, ठीक है? If one, two or all three combining fatty acids are different, they are known as heterolipids. समझ में? अगर तीनों सेम है तो होमो, अगर एक या दो या तीनों अलग हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हेटेरोलिपिड्स। नाउ ये इंपॉर्टेंट है इन बायोलॉजिकल फैट्स, ऑल फैटी एसिड्स आर इवन नंबर। यह है, तुम देखोगे मैंने कोई भी ऑड वाला नहीं बताया है। Have even number of carbon atoms. देखे कि नहीं? 12, 14, 16, 18, 22. तो हमने odd वाला discuss ही नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो exist ही नहीं करता। क्योंकि होगा ही नहीं। चलिए, उसी तरह से if all the three combining fatty acids are saturated, so the fat is equal to क्या? Saturated fat. Okay, इसको हम घी बोलते हैं and it is solid at room temperature, ठीक है? Now उसी तरह सब important points हैं, notes, समझ रहे हो? ये notes हैं। Now if
एनी वन टू और ऑल द थ्री फैटी एसिड्स आर अनसैचुरेटेड ओके आर अनसैचुरेटेड द फैट इज इक्वल टू अनसैचुरेटेड फैट और उसको क्या कहेंगे ऑयल ओके एंड इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर समझ में आया तो ये समझ में आया कि नहीं अगर एक भी अनसैचुरेटेड है तो वो ऑयल हो जाएगा अगर सारे के सारे सैचुरेटेड हैं तो वो घी रहेगा कोई शक बोलो नो सर चलो तो इसलिए बोलते रहो ना अभी मैं क्लास वर्क बता रहा हूं तो ये हमारा क्लास वर्क है आप देखिए मैं आपको नाम लेऊंगा आपको बताना है कि ये इसमें कौन कौन से फैटी एसिड्स हैं एंड आपका इसका नेचर क्या है ठीक है नाउ तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक बार पढ़ लिया करो ये सब चीजें पर आप लोग तो पढ़ते नहीं हो जो पढ़ रहा है उसको समझ आएगा चलिए तो आप एग्जाम्पल नंबर वन तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ट्राइपाल्मिटिन समझ रहे हो तो ट्राइपाल्मिटिन ये एक फैट है तो आप इसको कैसे ढूंढेंगे मालूम है आप देखो ट्राई का मतलब क्या होता है थ्री एंड पाल्मिटिन का मतलब क्या होता है 16:0 तो इसलिए इस ये किस चीज से बना है तो इट इज मेड अप ऑफ थ्री ऐसे लिखोगे 3:16:0 पाल्मिटिक एसिड सो इट इज कण सो इट इज ए घी है ना या सैट फैट ठीक है इसको सैचुरेटेड फैट को हम सैट फैट लिख देंगे समझ में आया कैसे करना है अब चलिए मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूं ट्राइओलेइन बताइए तुम बोलो मैं लिखूंगा इसमें क्या क्या है ओके ओलेइक एसिड सो इट इज क्या आप एक और एग्जाम्पल बोलिए ओलेयो लिनोलेयो लिनोलेनिन पढ़ो इसको पढ़ो जोर जोर से इसको पढ़ो इसका नाम क्या है ये मालूम है ये तुम्हारे अलावा और किसी को पता भी नहीं होगा कालू में तो ओलेयो लिनोलेयो लिनोलेनिन बोलो ओलेयो लिनोलेयो लिनोलेनिन तो इसमें क्या होगा वन 18:1 18:2 18:3 तुम नाम भी लिख देना मैंने नहीं लिखा है ऐसे लिख देना ओलेइक एसिड इधर लिखोगे क्या लिनोलेइक एसिड
एंड इसमें क्या लिखेंगे? लिनो लिनोलिनिक एसिड चला, तो लिनोलिनिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा? ऑयल। समझ में आया? चलिए अब आपका होमवर्क है सब, अब मैं नहीं बताऊंगा कुछ, तो आपको खुद करना है, ठीक है? तो अब मैं फोर्थ वाला बता रहा हूं, पाल्मिटो डाई एराकिडोनिन। बोलिए जल्दी जल्दी बोलो। 1:16:0 हाँ 16:1 नहीं, पाल्मिटो है ना। अरे पाल्मिटो है ना, पाल्मिटो है तो पाल्मिटो इस नहीं, हर समय टोटल तीन होगा आंटी जी, तो आपका दो कैसे हो गया? आपने पाल्मिटो 16:1 दिया है ना अनसैचुरेटेड में पहला वाला। कौन बोल रहा है ये? सर मिलोनी। मिलोनी बेबी वो पाल्मिटो नहीं है, वो पाल्मिटो लेइयो है, तो समझ रहे हो? ओके, पाल्मिटो एराकिडिक वाला है जो, इसलिए आपको याद होना चाहिए सारा। आप देखो इधर डाई क्यों दिया है प्रत्याशा आंटी? दो है, दो एराकिडोनिक, तो इसलिए हर समय याद रखेंगे टोटल तीन होना चाहिए। तो इसमें एक पाल्मिटिक है एंड दो एराकिडोनिक है। चलिए सर हमें पता कैसे लगा कि पाल्मिटिक है या पाल्मिटोइक है? वो मुझे मालूम नहीं है पाल्मिट, और मेरे को इतना मालूम होने से मैं आईआईटी नहीं पा जाता मेडिकल। तो पाल्मिटो लेइयो ओ लेइयो लिनोलेइन, बोलो समझ में आएगा जतिन दादा? कैसे पता चलेगा ये पाल्मिटो लेइयो है ये पाल्मिटो है? समझ आया? तो इसलिए अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना तो ये सब समझ में आएगा। करोगे याद तो हर बात समझ में आएगी, वो गाना सुने हो कि नहीं? तो ऐसे, तो अगर करोगे याद तो सब समझ में आएगा। चलिए तो उसी के तरह एराकिडो, ओके, सर्वोनियो लिनोलेइन। अरे ये मेरे को थोड़ी याद है, मैं भी तो जोड़ जोड़ के बना रहा हूँ ना। बोलो 22:6 1:22:6 + 1:18:2 यस, माने 8:20:0 22:6 18:2 चलिए वेरी गुड। अब आ रहा है कि नहीं मजा? एंड यू आर द ओनली स्टूडेंट इन भुवनेश्वर जिनको ये आता होगा, बिकॉज ये नॉन जेजेस में ये पढ़ते भी नहीं है। तो मैं ये नॉन जेजेस स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं है आंटी जी। एराकिडोनिन, बोलिए इसका नाम। 1:18:2 हाँ सोच के प्यार से, प्यार से प्यार से प्यार से अगेन इसको क्या करो, इसको तोड़ दो, संधि विच्छेद कर दो। अब समझ में आया? तो इसलिए उसको तोड़ना पड़ेगा ना संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा ये ओलेयो एराकिडो एराकिडोनिन, मतलब 18:1 20:0 20:0 20:4 ये 20:0 है
चलो तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो घर बैठ के, बस जोड़ो। तो याद रखो पहले दोनों में ओ लगा दो एंड पीछे में इन लगा दो, बाकी सब सेम है। ओके ऑयल या घी आप खुद देख लेना। पाल्मिटो, ओके पाल्मिटो पाल्मिटो ओलेयो लिनो लेनिन। सर 116:0 तो डबल ओ होगा। ये नहीं, इसमें दो ओ है तो ये अलग है, समझ रहे हो? अगर ये ऐसा होता तो ये सिंगल होता, ठीक है? तो आप पाल्मिटो ओलेयो है, ये क्या है पाल्मिटो लेयो, समझ में आया? पूछ लो कि नहीं? सर अभी रिजॉइन करेंगे क्या? हाँ हो गया 130 हो गया, तो अब ये क्लोज, ठीक है? तो ये काफी हो गया आज के लिए, तो इतना आप याद कर लो तो बढ़िया है। चलिए तो इसीलिए अब मैं और दो एग्जांपल में दे देता हूं। सर्वोनियो डाई एराचिडिन, ठीक है? 10 है आपका ओलेयो पाल्मिटो स्टीयरिन। चलिए करिए। करो